हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज वो चैप्टर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस. दीज चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व बाय अस एट होम, स्कूल, प्लेग्राउंड, पार्क, अदर प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग, वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग, आयरन रस्ट इन मॉइस्ट एयर. Some salt observed in water, vegetables and pulses change on cooking and milk change into curds. These are all changes, like physical changes and chemical changes. Among all these changes, some changes can be reversible, whereas some can't be reversible by reversing the condition. कुछ चेंज इसमें रिवर्सेबल होते हैं, कुछ इरिवर्सेबल चेंजेस होते हैं. तो द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड अ रिवर्सेबल चेंज. वो चेंज जो कि रिवर्स हो सकता है उसको हम रिवर्सेबल चेंज बोलते हैं. जैसे कि आपने स्टिचिंग ऑफ रबर बैंड, एक रबर बैंड को खींचा, जब हम उसे छोड़ेंगे वो अपनी उसी पोजिशन में आ जाएगी. ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बटन जलाया, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करा और उसे हमने बल्ब को बंद कर दिया, वो हमारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ गया. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करा, फिर दोबारा से अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो वो फिर से बर्फ आइस बन जाएगा. तो ये सब हमारे रिवर्सेबल चेंज होते हैं, जो वापस अपने ही पोजीशन में आ जाए. द चेंज विच कांट बी रिवर्स बाय इवन बाय रिवर्सिंग द कंडीशन. वो चेंज जिनको हम जिसकी कंडीशन हम रिवर्स करें तब भी वो चीज़ रिजर्व ना हो, उसे इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं. जैसे कि एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर कोई इंसान की एज हो रही है, वो बूढ़ा हो रहा है, तो दोबारा अपनी एज पर नहीं आ सकता, वो हमारा इरिवर्सिबल चेंज होगा. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग हो गई, बर्निंग ऑफ पेपर हो गई, कुकिंग ऑफ फूड हो गया, ग्रोथ ऑफ प्लांट हो गई, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, ये सब इरिवर्सिबल चेंज है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल और केमिकल चेंज में फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल चेंज. दो फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस गेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. वो चेंज जिसमें केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, जैसे कि बर्फ है तो वो वाटर बन गया, यानी सॉलिड से लिक्विड बन गया, बट उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो वो हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. एग्जाम्पल हम सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. स्टिचिंग ऑफ रबड़ बैंड को हमने खींचा, फिर वो अपनी पोजीशन पे आ गया. ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को पीसा. एक्सपेंशन ऑफ या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, किसी भी सब्सटेंस को हमने एक्सटेंड करा या कॉन्ट्रैक्ट करा हीट करके, अगर हम उसे दोबारा से कूल करते हैं तो वो हमारी उसी पोजीशन पे आ जाता है. सम एग्जाम्पल आर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पीस ऑफ आयरन, हैमरिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म थिन शीट. ये सब क्या है? ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ कंडीशन चेंज हो रही है. ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ेंगे. करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल चेंज. ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट चेंज. फिजिकल चेंज में सिर्फ यही प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं बनता. जनरली अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल. जो फिजिकल चेंज होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जो रिवर्स हो सकती है. जनरली नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस. ओवरऑल एनर्जी हमारी चेंज नहीं होती इसमें. केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन द सेम ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेम ही रहता है. केमिकल चेंजेस क्या होता है? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद एंटायरली डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसके सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है और नया सब्सटेंस बनता है. ये इरिवर्सिबल चेंज है कि एक बार चेंज होने के बाद दोबारा चेंज नहीं होगा, इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं. इसके साथ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, यह एक्टिविटीज़ है. ये देखिए एक्टिविटीज़, इसने मैग्नीशियम का रिबन लिया और इसको जलाया, तो क्या हुआ? यहाँ पर इसने पकड़ रखा है
ये इसको जब बर्न किया तो ये पाउडर बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये दोबारा से ये नहीं बन सकता, ये क्या हो जाएगा, एक नया सभी, यानी मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यानी ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नया ही सब्सटेंस बना लिया। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। ये सब एक्टिविटीज़ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऐसी इसको समझा दे रही हूँ। इसमें क्या हुआ, ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट टर्न रेड शोइंग डैट द सॉल्यूशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर इज नॉट एसिडिक। ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज है। देखिए मैं इसकी प्रॉपर्टी ये देखिए, केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल। ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये हमारी आयरन नेल है। आफ्टर 20 मिनट्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है, ब्राउन डिपोजिशन ऑफ द कॉपर ऑन आयरन नेल, और इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है, यानी कॉपर इस पर आके जम जाती है। तो ये केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस आपका बन गया है। ओके बेटा, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्या कंक्लूजन निकाला, फ्रॉम दिस एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड दैट ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेक पार्ट गेट चेंज। जो कंपोजिशन होता है वो भी चेंज हो जाता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है, और चेंज इन कलर टेक प्लेस, और कलर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन समझेंगे। जो कॉपर है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसने आयरन, हमने इन दोनों को की रिएक्शन करवाई, तो जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी आयरन जो है सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा और कॉपर रिलीज कर देगा। जो आयरन सल्फेट होगा वो ग्रीन कलर का होता है और ये ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर से ग्रीन कलर बन गया। यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ आयरन सल्फेट है, यानी न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बने बोलेंगे। इज दैट क्लियर। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, पहले हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, सी द प्रोसेस बाय विच वन या मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफर इनटू न्यू सब्सटेंस हैविंग अ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ओरिजिन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस ट्रांसफर हो जाते हैं न्यू सब्सटेंस में, और पूरी प्रॉपर्टीज एंटायरली मतलब पूरी तरीके से न्यू प्रॉपर्टीज बनती हैं ओरिजिनल सब्सटेंस से, इसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, इट इज ऑल ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम। यहाँ पर एग्जाम्पल है, वेन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के एटम है और ये हमारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इन दोनों ने रिएक्शन करी और क्या बन गया, यहाँ पर H2O वाटर बन गया, ये नया सब्सटेंस बन गया। इन दोनों ने ही अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी, खो दी, और न्यू आइडेंटिटी बनाई। यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर न्यू बनी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने ही अपने कॉम्पोजिशन, इनका जो है वो पूरी तरीके से नया कॉम्पोजिशन बन गया H2O, ये वाटर। अपनी प्रॉपर्टीज ये लोग लॉस कर दे के न्यू प्रॉपर्टीज बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, यहाँ देखेंगे, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन आर ऑफन ऑक्यूपाइड बाय द वन या मोर ऑफरिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, यहाँ देखिए, चेंज इन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। ये आपका गैस है, ये भी गैस है, और यहाँ आपका लिक्विड बन रहा है, यानी इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, गैस से लिक्विड बन रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनाएगा। इवोल्यूशन ऑफ द गैस में अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। ये कैल्शियम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, और यहाँ पर आपका H और यहाँ पर O क्या बनाएगा, H2O, और ये C और इसका एक O मिलके CO2 बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट है चेंज इन द कलर एंड स्मेल, चेंज हो जाता है कलर और इसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर देखिए, कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का है, इसको हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बना ब्लैक कलर का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। इसमें क्या होता है, कलर तो चेंज और हो रहा है, इसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आपने कोई चीज़ है उसकी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाना, किसी भी, यानी आपने क्या किया, एक डर्टी वाटर लिया और उसमें उसको आपने क्या करा, उसमें और चीज़ें ऐड कर ली, जैसे सैंड ऐड कर ली और आपने कीचड़ वगैरह मड ऐड कर ली, और उसमें आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वो सब नीचे बैठ जाता है और प्योर वाटर ऊपर आ जाता है। तो ये जो नीचे बैठा है इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल, मैंने बताया ना जो सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू केमिकल विच आर इनसॉल्युबल फॉर्म रिएक्ट।
इज सेटल डाउन एट द बॉटम, बॉटम पे पहुंच जाते हैं कंटेनर के, इन विच रिएक्शन इज अकरिंग, ये इस रिएक्शन में ये हो रहा है। यहाँ देखिए आयरन क्लोराइड है, इनने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की, तो क्या हुआ, ये जो आपका आयरन है इसके OH से रिएक्शन कर लेगा, यानी आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेगा और अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो वैन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड इज मिक्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड अ ब्राउन प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड, इसका ब्राउन प्रेसिपिटेशन जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। चेंज इन एनर्जी, एनर्जी चेंज हो जाएगी, अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी निकल रही है। ये हमारे क्या होते हैं, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं, क्या है बेटा, प्रोडक्ट, और ये जो बनते हैं ये हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के साथ अगर हीट निकल रही तो एक्सोथर्मिक, और अगर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के साथ जैसे ये प्रोडक्ट है और इसमें हीट इन्वॉल्व है तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल कंटिन्यू योर रेस्ट ऑफ द पार्ट 6, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम कोई दो एटम या मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एक हमारा प्रोडक्ट, वो सॉरी रिएक्टेंट बनता है। सॉरी बेटा, यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो बताई थी, तो यहाँ पर आपका क्या था बेटा, ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं आपके, और ये हमारा प्रोडक्ट बन के आता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन कम्बाइंस, कार्बन कम्बाइन कर लेगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारी कम्बाइनिंग हो रही है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस डीकम्पोज, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू टू या मोर सिंपलर सब्सटेंस, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को समझेंगे, सी ये हमारा बेकिंग सोडा है जो जनरली हम अपने होम में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग डीकम्पोजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट वाटर पेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये डीकम्पोज हो रहा है, यानी ये एक लार्ज मॉलिक्यूल टूट कर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आपकी एक प्लेस से दूसरी प्लेस बचे, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, हो जाते हैं अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म, सॉरी फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे व्हेन अ कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर वायर को हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में रखा, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज टू ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर नाइट्रेट, तो इस कॉपर ने इसके नाइट्रेट से रिएक्शन कर लिया और इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, कलर हमारा चेंज हो गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया एंड सिल्वर गेट डिपोजिट ऑन कॉपर वायर, और कॉपर वायर पर सिल्वर डिपोजिट हो जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था, सिल्वर था नाइट्रेट के साथ, अब सिल्वर डिस्प्लेस हो गया और कॉपर आके ऐड हो गया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट था अब कॉपर नाइट्रेट हो गया, तो डिस्प्लेस यानी अपनी जगह से हट जाना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो होते हैं आपके, यहाँ पर तो एक ही था, यहाँ पर दो होंगे, दो आपके क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। यहाँ देखिए रिएक्शन से समझिए, यहाँ मैंने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड और यहाँ सोडियम सल्फेट, ये दोहा एक था, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इसका इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और इसका इधर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। जो आपका बेरियम है वो सल्फेट से रिएक्शन करेगा, बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम क्लोरीन से तो सोडियम क्लोराइड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। इज दैट क्लियर? सम मोर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, एक्सप्लोजन ऑफ द फायर क्रैकर इज अ केमिकल चेंज, जो आपके पटाखे वगैरह होते हैं वो क्रैकर्स होते हैं, इनका एक्सप्लोजन एक केमिकल चेंज होता है। ओके बेटा, यहाँ देखिए सम मोर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, चेंज इन कलर ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन कीपिंग इन एयर इज अ केमिकल चेंज। हम यहाँ देखते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स को अगर हम रख देते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ड्यू टू इट्स रिएक्ट विद एयर, ऑक्सीजन ऑफ एयर। ओके बेटा,
यहाँ पर देखिए एप्पल है, इसको मैंने कट किया, थोड़ी देर बाद इसको ओपन प्लेस में रखा तो ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इट हैज ए एसिड विच रिएक्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, देन इट कन्वर्ट इट्स कलर। सिमिलरली अगर आप ब्रिंजल या पोटैटो को रखेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि डाइजेशन में आपके एसिड एंजाइम्स ये सभी क्या करते हैं, फूड पर आपका रिएक्शन करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, ये सब आपके क्या है, केमिकल चेंज है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए जर्मिनेशन ऑफ द सीड, आपका ये सीड है, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड कुकिंग ऑफ फूड, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, जर्मिनेशन ऑफ सीड कुकिंग ऑफ फूड रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड ऑफ मिल्क, ये सब हमारे क्या है बेटा, केमिकल चेंज है। स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का सड़ना भी एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ द फ्यूल लाइक फूड कोल केरोसिन एलपीजी एंड पेट्रोल, ड्राई लीव्स वैक्स कैंडल, ये हमारे क्या है, ये सब हमारे एक केमिकल चेंज है। ओके बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज हम देखेंगे। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, केमिकल चेंज आर जनरली परमानेंट, ये परमानेंट होता है, दस अ केमिकल चेंज कांट बी रिवर्स बाय सिंपली फिजिकल मेथड। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज या नेट चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस, एनर्जी का कंप्लीट चेंज होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर गिवन आउट और ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ लाइट, यहाँ पर या तो एनर्जी इवेल्यूएट होती है या फिर एनर्जी ऑब्जर्व होती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व सोलर एनर्जी, यहाँ एनर्जी एक जगह ले रहे हैं, एक जगह एनर्जी निकल रही है, तो ये सब हमारी क्या है, केमिकल चेंज की हमारी करेक्टरिस्टिक है। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज, दोनों ही प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज का। न्यू सब्सटेंस फिजिकल चेंज में नहीं बनता, इसमें बनता है। नेचर ऑफ चेंज इट इज टेम्पररी या रिवर्सिबिलिटी, ये हमारी इरिवर्सिबल है, तो सॉरी ये रिवर्सिबल होता है, इसको रिवर्स कर लेंगे, ये इरिवर्सिबल है, एक बार बन जाएगा तो दोबारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, इसमें फिजिकल केमिकल दोनों ही चेंज होगी। अमाउंट ऑफ हीट जनरली देयर इज नो ओवरऑल चेंज, यहाँ पर एनर्जी का चेंज नहीं होगा, यहाँ पर एनर्जी या तो इवेल्यूएट होगी या ऑब्जर्व होगी। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि किस तरीके से आयरन पे रस्ट लगती, रस्ट मतलब जंग। आयरन ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल्स, आयरन पाइप्स, आयरन ग्रिल एंड आयरन रेलिंग्स व्हेन कीप इन मॉइस्ट एयर फॉर अ फ्यू डेज गेट कवर्ड विद ब्राउन पाउडरिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड रस्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रस्टिंग आयरन ऑफ आयरन। हम देखते हैं जो भी लोहे की चीज़ वगैरह आयरन की, उसको हम अगर मॉइस्ट प्लेस पर रख देते हैं तो उस पर एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस जम जाता है, वही हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। The two condition necessary for rusting of iron, presence of oxygen and air के presence होना ज़रूरी है, presence of water या water vapor यानी moisture का presence होना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों presence होना ज़रूरी है, तो rusting of iron is a chemical change, इसको underline करेंगे, rusting of iron एक chemical change है। यहाँ देखिए ये iron है, ये atmosphere की oxygen से reaction करेगा और इसमें moisture यानी water का होना ज़रूरी है, moisture mix क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड, फेरस या और इसमें अगर हाइड्रोजन मतलब वाटर भी है तो हाइड्रेटेड बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ही हमारी एक्चुअल में क्या है, रस्ट है। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो यू विल आंसर फेरस ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस को आयरन भी बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इज दैट क्लियर। रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट, अगर रस्ट लग जाती है तो ये डैमेज कर देती है, ये देखिए पिक्चर, ये डैमेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर रस्टिंग इज सॉफ्ट एंड पोरस होता है, रस्टिंग मेक द आयरन ऑब्जेक्ट वीक एंड अल्टीमेटली अनलेस यूजलेस, सॉरी, आयरन इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट ईजली अवेलेबल मेटल, ये बहुत सस्ता और आराम से मिल जाता है आयरन। नेक्स्ट आपका किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट करें, किस तरीके से बचाएं, तो उसके हम कोटिंग कर दें, उस पर पेंट लगा दें या ग्रीस लगा दें उस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर दिया था रस्टिंग ऑफ आयरन, अब यहाँ देखिए किस तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन यानी रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पेंट या ग्रीस लगा दें उस ऑब्जेक्ट पर।
कोटिंग आयरन विद अदर मेटल्स, यानी इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटिंग आयरन विद अदर मेटल, आयरन को कोट कर दें अदर मेटल से, मतलब जो भी अदर मेटल है उससे कोट कर दें, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ द डिपोजिंग अ थिन लेयर या कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ गैल्वेनाइजेशन, यानी हमने आयरन पर जिंक मेटल की कोटिंग कर दी और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये देखिए, ये जिंक मेटल रिमेन अनइफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर, इस पर जिंक की हमने आयरन पर जिंक की कोटिंग कर दी है। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है, यहाँ पर एक चीज़ और, बाय कन्वर्टिंग आयरन इंटू स्टेनलेस स्टील या हम अलॉइंग कर देते हैं, यानी हम आयरन को मेल्ट करके उसमें ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या क्रोमियम एंड निकल को मिक्स कर देते हैं, ऑन कूलिंग इट फॉर्म अ अलॉय कॉल्ड द स्टेनलेस स्टील, और इसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। इससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम कुकिंग यूटेंसिल बनाते हैं, नाइफ्स बनाते हैं, सीजर बनाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ओके बेटा, नाउ योर लास्ट टॉपिक, क्रिस्टलाइजेशन। वी नो डैट सी वाटर कंटेन सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, दी सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन। This technique of the separation is not good because the salt obtained in this manner are not pure and these crystallize are small. ये method अच्छा नहीं है, मतलब good method नहीं है, ये crystal में बदल जाता है जो salt है, pure नहीं बनता है इससे। तो crystal are the purest solid form of a substance with a definite geometrical shape. डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप में किसी भी सब्सटेंस को ऑब्टेन करना क्रिस्टल्स कहलाता है। ओके बेटा, तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी प्योर सॉलिड को प्योर फॉर्म में लेते हैं और उसमें जो शेप बनता है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और वो जो बनता शेप बनता है, वो पार्टिकल है, उसको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। ओके बेटा, योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड, थैंक यू वेरी मच।